जिनका सिविल थोड़ा सा ख़राब है बट वो चाहते हैं कि उसका सिविल अपना सही कर ले, तो वो थोड़ा सा ये डाउन पेमेंट देकर अपना सही कर सकते हैं। रोड की कंफर्ट भी आपके अच्छे से महसूस कराते रहेगी, ऑफ रोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और कहीं आपकी ब्रेकर वगैरह भी टच भी नहीं करती है जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 5,367 रुपीज़। जी हाँ, तो ये आपका EMI होगा और इसको आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे कैमो की आपको बैचिंग मिल जाती है, तो ये आपको हल्का ग्रीनिश टाइप आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का आपको इसका साइड लुक होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होगा वो आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं टाटा के शोरूम में, और पीछे आप देख सकते हो क्या लगी हुई है, पंच। तो अगर इस मॉडल की हम लोग बात करें तो ये आपका जो मॉडल है ये आपका पंच एडवेंचर रिदम है। इसका आज हम लोग एक शोरूम क्या होने वाला है उसकी बात करेंगे, ऑन रोड क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है इसका ROI क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, शोरूम डिटेल्स क्या होने वाला है, और साथ ही साथ जो है इसका बुकिंग अमाउंट का हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद इसका क्या इसमें फीचर्स मिलने वाला है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी, एंड इसका किस तरह का कॉस्मेटिक होने वाला है, इसका व्हील बेस क्या होगा, टायर साइज क्या होने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या मिलने वाला है, और उसके साथ साथ फाइनेंस डिटेल्स का कवर करेंगे ही। तो एक और चीज़ हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, तो वो हम लोग इसका कवर करने वाले हैं, कितने CC की आपको इंजन होने वाली है, क्या इसमें आपको माइलेज मिलने वाला है, सभी चीज़ कवर करने वाले हैं। तो बिना स्किप की जो है चैनल के साथ बने रहो, मैं टोटल डिटेल्स जो है आपको अवेलेबल कराता हूँ। ओके गाइस, तो सामने आप देख सकते हैं हमारे सामने जो लगी हुई है आज पंच, इसका अगर मॉडल की बात करें हम लोग तो पंच एडवेंचर रिदम है। अब चलिए सबसे पहले जो है इसका एक शोरूम का बात कर ले हम लोग पटना में, तो इसका एक शोरूम प्राइस जो आपको पटना में होगा वो आपको होने वाला है 7,24,900 रुपीज़। अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होना है वो आपको होगा 8,39,265 रुपीज़। जी हाँ, चलिए अब जो है हम लोग इसका डाउन पेमेंट का बात करने वाले हैं, तो 3 डाउन पेमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डाउन पेमेंट की बात कर लें, तो फर्स्ट डाउन पेमेंट जो आपको होने वाला है, गेस करो, तो फर्स्ट डाउन पेमेंट जो आपका होने वाला है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 83,927 रुपीज़ का होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके EMI की, जो 3 ईयर्स का होने वाला है, तो 3 ईयर्स का जो इसका EMI जाने वाला है वो आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं, तो वो आपको होने वाला है 23,949 रुपीज़। अब बात करते हैं 5 ईयर्स की EMI की, तो 5 ईयर्स का जो इसका EMI होगा वो आपको होगा 15,606 रुपीज़। अब बात करते हैं हम लोग 7 ईयर्स का, तो 7 ईयर्स का जो इसका EMI होने वाला है वो आपको होगा 12,076 रुपीज़। चलिए अब आते हैं सेकेंड डाउन पेमेंट पे, तो सेकेंड डाउन पेमेंट जो आपको होने वाला है वो आपका होगा 1,67,853 रुपीज़। अब इस पर EMI आपको बता दें 3 ईयर्स का, सबसे पहले तो सबसे पहले इसका 3 ईयर्स का जो EMI होने वाला है वो आपको होगा 21,288। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाने वाला है वो आपको होगा 13,872। और अब बात करते हैं 7 ईयर्स का, तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI जाएगा वो आपको होगा 10,734 रुपीज़। जी हाँ, चलिए अब आपके लिए लेकर आ गए हैं हम लोग थर्ड डाउन पेमेंट। तो थर्ड डाउन पेमेंट थोड़ा सा हाई है, और उनके लिए भी है जिनका सिविल थोड़ा सा ख़राब है बट वो चाहते हैं कि उसका सिविल अपना सही कर ले, तो वो थोड़ा सा ये डाउन पेमेंट देकर अपना सही कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जिनके पास जो है कैश पे लेने का पैसा तो है बट वो चाहते हैं इसको फाइनेंस कराना, तो उनके लिए भी है। तो वो आपको डाउन पेमेंट जो होने वाला है वो आपको होगा 5,03,559 रुपीज़। जी हाँ, तो चलिए इसमें आपको EMI में बता दूँ आपको 3 ईयर्स का क्या होने वाला है। 3 ईयर्स का जो इसका EMI जाएगा वो आपको होगा 10,644। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाने वाला है वो आपको होगा 6,936। तो क्या सबसे लोएस्ट EMI ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे भी कम आपके लिए आ रहा है। तो वो होने वाला है आपको 7 ईयर्स में, और वो आपको होने वाला है, गेस करो, 5,000 के अप्रॉक्स होगा। तो वो आपको होने वाला है 7 ईयर्स का, तो 7 ईयर्स में अगर इसको EMI पर आप ले जाना चाहते हैं तो आपका EMI जो जाने वाला है वो आपको होने वाला है 5,367 रुपीज़। जी हाँ, तो ये आपका EMI होगा और इसको आप परचेज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके ROI की, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होने वाला है। तो वो मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होगा वो आपको 8.80 से लेके 9.5 का होगा। ये आपका सिविल और आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा थोड़ा, तो ये आप चेक करवा सकते हैं शोरूम में जाकर, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव का नंबर मैं आपको आगे अवेलेबल कराता हूँ, शोरूम डिटेल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि डॉक्यूमेंटेशन आपको 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला आपका होगा गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकेंड नंबर बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड जो आपका NIP होता है। NIP क्या होता है? NIP मतलब नॉन इनकम प्रूफ। अगर प्रॉपर आपके पास प्रोफाइलिंग नहीं है तो आप NIP में आते हो, ठीक है। तो अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपको तीनों शो कर रहा है स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकेंड नंबर बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर जो आपका NIP यानी कि नॉन इनकम प्रूफ, ठीक है।
तो ये तीनों जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा प्रोफाइलिंग आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बुकिंग डॉक्यूमेंटेशन और बुकिंग अमाउंट की। तो बुकिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपका, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, आपका बुकिंग हो जाएगा। अब बुकिंग अमाउंट की अगर बात करें कि बुकिंग अमाउंट कितना से आपको करना है, तो मिनिमम बुकिंग अमाउंट मैं आपको बता दूं 5000 का होगा। जी हाँ, तो 5000 की बुकिंग अमाउंट पे आप देकर इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको बुक करना है गाड़ी तो आप किस एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, इनफैक्ट शोरूम डिटेल्स कहाँ पे है अगर आप पटना बिहार में रहते हैं या फिर अगल बगल रीजन में आप रहते हो, ताकि आप कॉन्टैक्ट करके शोरूम विजिट कर सकें और अपनी पंच जो है, जो कि हमारी मिनी एसयूवी कहलाती है, उसको आप बुक कर सकें। तो उसके लिए जो आपको शोरूम डिटेल्स है आपको स्क्रीन पे ऐसा शो कर रहा है। ओके गाइस, तो आप सामने देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको पंच का की मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंच एडवेंचर रिदम, इसका आपको यहाँ पे मार्किंग भी मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा की यहाँ पे आपको लोगो मिल जाती है, और इसका बैक लुक देख सकते हो, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए है, तो किस इस तरह से आपका ये लाइट ऑन हो जाता है। इसका मैं डिटेल्स जो आपको बता देता हूँ, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक आपका ये ऑन रहता है, ताकि अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, अगर घर से आपका थोड़ा सा दूर अगर पार्क कर रहे गाड़ी को, तो ये आपका लाइट ऑन रहेगा, और उसके बाद फिर आप जैसे ही इसको पार्क करके आप जाते हो, उसके बाद फिर ये आपको ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाती है। तो ये आपको पार्किंग का आपको मिलने वाला है। अब इसको पहले बंद कर देते हैं हम लोग, यहाँ से भी आपको रिमोट कंट्रोल कर सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से आपका लॉक अनलॉक मैं आपको दिखा दूँ इसको करके, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको अनलॉक होती है, और यहाँ पर से जैसे ही हम लोग लॉक करेंगे तो आपका इसका देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको बीप करके साउंड आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको तो अनलॉक कर लें। यहाँ पे देख सकते हो इसका हजार्ड जैसे आपका ऑन होता है, इंडिकेटर दोनों आपका ऑन हो जाता है कुछ इस तरह से अनलॉक होने पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको फ्रंट लुक दिखा दूँ, कुछ इस तरह का आपको लुक होने वाला है। ओके, तो आप इसका हेडलाइट देख सकते हो, इसमें आपको हैलोजन मिलने वाला है कुछ इस तरह का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे DRS टाइप मिल रहा है लुक। और यहाँ पे डाउन साइड में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको टॉप मॉडल नहीं है, तो इसमें आपको जो है फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको टाटा के लोगो मिल जाती है फ्रंट में, और यहाँ पे आपका जो है हॉर्न लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड में हम लोग आते हैं तो ये देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह का आपको ग्रिल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, और साथ में आपका रेडिएटर के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है कि आपको इसमें कूल इसको रेडिएटर को कर सके, तो ये अच्छा है रेडिएटर को कूल करने के लिए। और यही आपका कुछ फ्रंट लुक होने वाला है देख सकते हो, और मैं आपको इसका साइड लुक दिखा दूँ आपको, तो साइड लुक देख सकते हो काफ़ी अच्छी है इसका। अब मैं ग्राउंड क्लियरेंस क्या होने वाला है फुल फीचर हम लोग कवर करते हैं, सर को बुलाते हैं। और ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो हमारे सर प्रिंस सर अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ जो आप लोग के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, तो बिना स्किप किए चैनल के साथ बने रहो, स्किप करोगे तो काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे, और इसका जो प्रॉपर अभी डिटेल्स हम देने वाले हैं वो सब फिर आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है शोरूम डिटेल्स जान लेते हैं। शोरूम का सर एड्रेस क्या होने वाला है सर? हमारा सर शोरूम का एड्रेस है कुमरार पार्क के जस्ट बगल में, मतलब लैंडमार्क में आपका कुमरार पार्क हो जाएगा। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपके पास आके कॉन्टैक्ट कर सके, और जो पटना में रहते हैं व्यूवर्स वो आपको बुकिंग कर सके। ओके, मेरा नंबर है 9508133194। किसी को भी गाड़ी की अगर जरूरत हो तो मेरे साथ एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो अपना चॉइस डाउन पेमेंट करना, वो भी आप सर को बोलना, उसके अकॉर्डिंग सर आपको बता देंगे। इनफैक्ट सर से अगर आप चाहते हो सजेशन लेना कि कौन सी आपको गाड़ी लेनी चाहिए, एसयूवी लेनी चाहिए, मिनी एसयूवी जो हमारी पंच है ये लेनी चाहिए, सेडान या फिर आप हैचबैक लेना चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हैं एक बार कॉन्टैक्ट करिए सर को, सर आपको पूरा डिटेल्स देंगे। साथ में जो है आपका जो क्या डाउन पेमेंट होने वाला है, क्या डाउन पेमेंट आपको करना चाहिए अपने बजट के अनुसार, वो सब आपको सजेशन सर आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो सर का नाम प्रिंस हुआ, और सर से अब हम लोग जान लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन जानते हैं, कितने सीसी की गाड़ी है, तो सर कितने सीसी की आपको गाड़ी मिलने वाली है? ये 1200 सीसी की गाड़ी है, जिसको हम लोग 1.2 सीसी बोलते हैं, ठीक है। सर 1500 सीसी भी आती है क्या? नहीं, ओनली फॉर 1.2, यानी कि 1200 सीसी में ही गाड़ी आपको आएगी, जो कि 3 सिलेंडर गाड़ी है। इसका जो पावर की अगर बात करें तो 86 PS की पावर आती है, और इसकी माइलेज जो क्लेम होती है लमसम कंपनी का जो क्लेम है आपका 19-21 तक की क्लेम होती है। 19-21 किलोमीटर आपको जी मिल जाएगा, बट इसके जो कस्टमर फीडबैक जो कॉलिंग हमारे पास आते हैं उसका जो है आपका 17-18, जो कि ऑन हाईवे पर इसका आपका माइलेज क्लेम निकल रहा है। जेन्युइन आपका 17-18 मिलने वाला है क्लेम। ओके सर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होने वाला है? इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी, जो कि मिनी एसयूवी में जो ग्राउंड क्लियरेंस इतना किसी गाड़ी में नहीं आती है, जिसकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपकी 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करती है। और किसी भी तरह अगर आप चलना है, चाहे वो रफ रोड हो, वेट रोड हो, या किसी तरह के रोड में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से सेफ चलेगी, व्हील ड्राइविंग आपकी अच्छी रहेगी, और रोड की कंफर्ट भी आपके अच्छे से महसूस कराती रहेगी। ऑफ रोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और कहीं आपकी ब्रेकर वगैरह में ये टच भी नहीं करती है, जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। सर माइलेज के बारे में तो सर आपने बता ही दिया, और सर इसका टायर का साइज क्या होने वाला है? इसके जो टायर के साइज है सर, आपके 15 इंच की टायर की साइज आती है इसके। सर
सर इसका व्हील बेस क्या होगा सर? व्हील बेस सर इसका आपका 2430 का आपके व्हील बेस है, जिससे आपका लेग रूम वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। शोल्डर रूम और हेड रूम भी इसमें आपको बहुत ही बेटर मिलता है। इस गाड़ी में जो आप देख रहे हैं सामने, ये बॉडी कलर डोर हैंडल है। एक हमारा स्टाइलिश आपका यहाँ पर डोर हैंडल मिलता है, ठीक है, जो कि आपका इनबिल्ट होती है गाड़ी में। ये जो गाड़ी है हमारा पंच एडवेंचर रिदम है, जिसमें आपका 7 इंच का डिस्प्ले और रियर कैमरा मिलता है, और चारों पावर विंडो के साथ ये गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपकी व्हील कवर वगैरह भी है, और ये मिनी एसयूवी प्लस इसमें साइड लाइटिंग वगैरह सारा कुछ इस गाड़ी में आपको दिया हुआ है, जिसके वजह से आपकी थोड़ा सा लुक को इन्हांस करती है गाड़ी है। और ये गाड़ी का जो शेप है आपका पूरा का पूरा एरोडायनेमिक शेप में है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर कर चलती है गाड़ी। थैंक यू सर। और ये गाड़ी जो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आपको मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छा है। और प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस तो आपको मैंने बता ही दिया, बट अगर आप चाहते हो कोई और मॉडल तो उसका प्राइस लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अपने रीजन का चाहते हैं प्राइस लिस्ट तो आप मेरे को एक बार DM कर देना, मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूंगा डिटेल्स। आप मेरे को कमेंट भी करोगे तो वहाँ भी आपको डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगा। इसका एक और कलर जो है आपको शोरूम में अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो पंच कैमो, यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे कैमो की आपको बैचिंग मिल जाती है, तो ये आपको हल्का ग्रीनिश टाइप आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का आपको इसका साइड लुक होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी पे, अपनी पंच एडवेंचर रिदम। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको सेंसर वगैरह नहीं मिलना है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्विटर का ऑप्शन जो आपको इस जगह पे मिल रहा है, और इसका सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो स्टेयरिंग है कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम फ्लैट है, तो ये हमारी पंच एडवेंचर रिदम मॉडल है, और इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल जो है आपको फुल्ली मिलने वाला है। यहाँ पे वॉइस कमांड के लिए ऑप्शन आपको मिल रहा है, वॉइस कंट्रोल के लिए यहाँ पे कॉल रिजेक्ट, सॉरी यहाँ पे कॉल पिक करने के लिए, और यहाँ पे आपको कॉल रिजेक्ट करने के लिए यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। और इसमें जो आपको हॉर्न है, हॉर्न आपको साइड में ही मिलने वाला है, थम हॉर्न मिलने वाला है, मिडिल में भी है बट हार्ड प्रेस करना पड़ता है आपको, तो कुछ इस तरह का आपको इसका स्टेयरिंग का लुक होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा की ब्रांडिंग जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है, और इसका आप डैशबोर्ड देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और इसका आप IRVM देख, कुछ इस तरह का जो आपको IRVM मिलने वाला है, टिकट होल्डर देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको को ड्राइवर सीट पे भी टिकट होल्डर मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पे मिरर भी मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने टाटा की नेक्सॉन वगैरह देखी होगी तो उसमें आपको ये चीज़ मिल रहा था यहाँ पर, जो कि आपको फोल्डेबल था, बट यहाँ पे आपको ये फिक्स मिला हुआ है हैंडल बार, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर होने वाला है। तो अगर इसके हम लोग प्रॉपर AC वेंट की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो AC वेंट आपको इसमें सिर्फ 4 ही मिलने वाला है, यानी कि सिर्फ फ्रंट में, यहाँ आप देख सकते हो ड्राइवर साइड, मिडिल एंड आपको को ड्राइवर साइड, तो यहाँ पे आपको 4 AC वेंट मिलने वाला है। आप देख सकते हो इसका जो AC वेंट है, AC वेंट आपको कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है, जो कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको 4 AC वेंट मिलने वाला है। रियर साइड में आपको AC वेंट नहीं मिलेगा, बट इतना AC वेंट जो आपको इसमें मिल रहा है ये आपको सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। डाउन साइड में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, ताकि यहाँ से आप चार्ज कर सके अपने मोबाइल को। और इसका जो है की तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पे आपको की ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह का, देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइट जल रही है। की जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे मीटर कंसोल जो है, तो कुछ इस तरह से जो आपका इसमें आप जैसे ही मैंने इग्निशन दिया देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका लाइट ऑन है। सबसे पहले जो आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हो कितनी प्रीमियम लग रही है, यहाँ पे आपको फुल्ली फीचर मिलने वाला है। मैं रियर साइड में आपको चल के दिखाता हूँ इसका कैमरा किस तरह का आपको लुक मिल रहा है, ठीक है, और किस तरह का इसका रियर लुक आपका होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसका लेग रूम मैं आपको दिखा दूँ, लेग रूम देख सकते हो काफी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है, और ये सीट पूरा आगे किया हुआ आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं को ड्राइवर सीट भी जो आपका काफी अच्छा है इसमें आपको, अगर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइनिंग इसमें आपको दिख रहा होगा ट्राई एरो का, जो कि इसका आपको टाटा में ही मिलने वाली है ये चीज़, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अब चलिए हम लोग इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है आपको 7 इंच का आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो है ये आपको हार्मन का मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचिंग। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो आपको स्पीकर होगा, स्पीकर आपको जो है JBL का होगा, और साथ साथ इसमें आपको 4 ट्विटर का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, तो कुछ इस तरह का आपको जो है फैसिलिटी मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है आपके माइक का ऑप्शन मिल रहा है, ताकि आप यहाँ पे से आप कॉलिंग वगैरह कमांड के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए आपको, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इसमें फीचर मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं रियर साइड पे, और रियर प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। तो विंडो वगैरह भी जो आपको मैनुअली नहीं करना है, फुली ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो इसको एक्सेस। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इसका जो हेडरेस्ट है उसके बारे में, तो हेडरेस्ट आप सामने देख सकते हैं, इसका जो आपको ड्राइवर सीट है और को ड्राइवर सीट जो है आपका हेडरेस्ट आपको मिलने वाला है, बट आप पीछे देख सकते हो पीछे जो आपका ये फिक्स मिलने वाला है, यानी कि रियर साइड में जो है आपको हेडरेस्ट फिक्स है, वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा।
तो कुछ इस तरह का आपको रेयर लुक होने वाला है। और हमारी जो पंच है ये आपको डुअल टोन में मिलने वाली है, इंटीरियर ये आप देख सकते हो ग्रे एंड ब्लैक, तो कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर होने वाला है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ट्रायर और डिजाइन आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपका जो है हैंडरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम लोग जो है इसका बूट स्पेस दिखाते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं कि किस तरह का आपको इसका बूट स्पेस होने वाला है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको जो है रेयर लुक होने वाला है। यहाँ पे आपको टाटा की लोगो मिल जाती है यहाँ पे, और साथ ही में डाउन साइड में आते हैं तो जैसा कि मैं आपको कैमरा के बारे में बता रहा था, यहाँ पे आपको रेयर पार्किंग कैमरा आपको इस तरह का मिलने वाला है। उसके अगर डाउन साइड शिफ्ट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हो पंच की आपको बैचिंग मिलने वाली है। ये आपको देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक मिलेगा। इसका टेल लाइट मैं आपको दिखा दूँ तो टेल लाइट देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिजाइन आपको इसमें मिलने वाली है। अब हम लोग इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरह का इसका आपको बूट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डाउन साइड में आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, यहाँ पे आप प्रेस जैसे ही करोगे तो ये आपकी गाड़ी इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का आपको स्पेस मिलने वाला है। मैं आपको दिखा दूँ रेयर पार्सल ट्रे आप कर सकते हो, तो रेयर पार्सल ट्रे हम जैसे ही अप करते हैं तो ये आप देख सकते हो इसमें अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। तो अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस कितने मिलने वाला है, तो 366 लीटर की आपको बूट स्पेस इसमें आपको मिलने वाली है। स्पेस देख सकते हो अच्छी खासी इसमें आपको स्पेस मिलने वाली है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको पंचर किट के साथ यहाँ पे आपको स्टेपनी का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको बंद कर देते हैं पहले। तो यही आपका कुछ रेयर लुक होने वाला है। और मैं इसका एक वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह की जो है आपको इसमें लुक मिलने वाली है। ओके गाइस, फुल डिटेल्स जो आपको मिल चुका है। अगर मेरे से कुछ मिस कर गया होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना। इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, वहाँ भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी रील्स वगैरह आते रहते हैं तो वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और फिलहाल फुल वीडियो कवर हो चुका है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, चलो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अगर वीडियो पसंद आता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ़।